वही आपको सिखाया गया कि कैसे योग लगाना। ये पांच प्रश्न कहां से आया, किसने सिखाया कैसे योग लगाना विधि। फिर मधुबन में मुरली पहले हाथ से लिखते थे कार्बन डाल करके। बॉम्बे कहीं से एक मशीन आया था, एक भाई आया कि भाई जी आपने सुना कि आप फैक्ट्री संभालते हो, ये मशीन देखो। हमने कहा मैं हाथ से कुछ करता नहीं हूँ, फिर भी एक मशीन देखो पड़ा है इधर। तो देखा तो उसको ठीक करके चालू किया तो मुरली प्रिंट होने शुरू कर दिया मधुबन में। फिर एक जगह पर आग लगी और सब लोग पानी डालने लगे। अरे आग पानी से थोड़ी बुझती है, आग में सिलेंडर गैस होना चाहिए। तो फैक्ट्री से दो सिलेंडर मंगाया, आग बुझाया। तब दादा मधुबन में सब जगह पर माताएं रोटी सब्जी खाना बनाते थे तो आवाज करते थे, चुप नहीं बोलते, बोलते बैठते आवाज करते। तो एक दिन हम दो तीन भाई थे, दो तीन भाई ने कहा आज माताओं को बुलाना नहीं, आए नहीं। रोटी भी हम बनाते हैं, खाना भी बनाते हैं, लेकिन दादी आधा आधा घंटे में चक्कर लगाते थे। दादी ने देखा अरे आज किचन में आवाज ही नहीं है, अरे कोई माताएं नहीं, आप ही लोग कर रहे हो। हमने कहा हाँ हम भी कर सकते हैं, 50 लोगों का खाना। तो कहते ये नंबर वन, दो तीन दिन तक किसी को बुलाया नहीं है, हम तीनों चार भाई ने किया। दादी को लगा ये ठीक एक्यूरेट। उस दिन से मधुबन में भाई किचन में रोटी सब्जी खाना, न तो पहले माता ही किचन किचन में भोली दादी करके थी, सब्जी लाने वाले जैसे ये माता जी इतनी बुजुर्ग है, इतनी माता जी बुजुर्ग बुरी दादी करके अबू रोड से बस में ट्रक में सब्जी ले आती थी। सब माताएं, दूध में दो माताएं थी बुजुर्ग बुजुर्ग, सब कुछ माताएं करते थे, कोई नहीं थे। जब हम पहले आए हम तीन चार भाई थे तो आए, हमने कहा आज माताएं आवाज करती आती नहीं समय पर, तो बुलाने जाओ ये करो। आज हमें किसी को नहीं बुला, हम तीन मिल करके सब्जी बनाया रोटी बनाया सब कुछ किया। तो दादी चक्कर लगा के देखती रहती थी, अरे आज किचन में आवाज ही नहीं है, कैसे 15 मिनट के अंदर खाना भी बन के तैयार। कहते ये ठीक है। तो उस दिन से शुरू हो गया। तो ऐसे करके 8 महीने चले गए। तब मुझे लगा कि भगवान को वो छोड़ दो, वो नहीं चाहिए। उसके बाद एक ही दफा गया, उसके बाद गया ही नहीं है। हमने कहा नहीं, हमको भगवान की सेवा करना चाहिए। तो कैसे कहा कि बाबा की अगर आप निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, मेरे लिए नहीं बाबा के बच्चों को सुख मिलने के लिए। देखो किसी ने इतना बड़ा हॉल बनाया, धन लगा है ना, इस स्वस्थ को किसको मिल रहा है, भगवान के बच्चों को। उसका कितना भाग्य होगा बाबा को, उसको इतना बड़ा महल बना के देगा, देना पड़ेगा एक का पदम गुना है ना। किसी ने धन लगाया ना, अपने शिव बाबा ने तो नहीं भेजा, किसी बच्चे ने अपना धन इस हॉल के लिए लगाया ना, सुख कौन ले रहा है। आप सबको सुख मिल रहा है ना, तो गर्मी में बैठ सकते थे, अगर एसी नहीं है बैठ सकते थे गर्मी में, इतना बड़ा हॉल नहीं तो बैठ सकते थे। किसी ने अपना धन लगाया जनता भगवान के बच्चों को सुख देने के लिए, भगवान उसका ऋणी। बाबा ने कहा एक का उसको इतना बड़ा महल दे दूंगा मैं, भगवान लेता नहीं है। निस्वार्थ भाव से सेवा करो, मेरा नाम वो मैंने किया स्वार्थ, एक का एक गुना। तब कहा आप कहेंगे भाई जी आप ऊपर बैठे हमको नीचे बैठा, मैं नहीं बैठा, ये सेवा का फल है।